Hello students, a very good morning to all. Welcome in our class. Students, आपने अपने आसपास स्काई में बहुत सारे टाइप के बर्ड्स देखे होंगे जो फ्लाई करते हैं, यानी कि अपने आसपास में बहुत सारे क्या बर्ड्स देखते हैं, पक्षी देखते हो जो फ्लाई करते हैं, ठीक है। स्पैरो, क्रो, बहुत सारे हैं दूसरे जो अपने आसमान में क्या फ्लाई करते हो, उड़ते हुए देखते हो। अब सोचो अगर ऐसे कोई भी वाइल्ड लाइफ यानी कि हाथी आपके सामने फ्लाई करता हुआ दिखाई दे तो कैसा लगेगा, या फिर सोचो अगर आपके पास पंख हो और आसमान में आपको उड़ने का मौका मिले तो कैसा लगेगा। अच्छा लगेगा ना। सोचो देखो अगर एक दिन के अगर आपके पास पंख आ जाए और आपको आसमान में उड़ने का मौका मिले तो आप सबसे पहले क्या कहाँ पर उड़ कर जाना चाहोगे, सोचा कभी आपने? सोचना चाहिए, क्या पता आ भी जाए, मिल भी जाए एक दिन के लिए पंख। तो बच्चों जो हमारी कहानी है आज पार्ट सिक्स है जो हमारा, वो एक कविता है, लेकिन हम इससे पहले एक कविता कर चुके हैं। कौन सी? मैं सबसे छोटी हूँ। तो कविता करने के बाद हम दोबारा फिर कविता करते हैं तो बच्चे थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसे अब की बार क्या किया है, चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो एक क्या है, एक कहानी है और वो एक ऐसी कहानी है उड़ने वाले हाथी के बारे में, ठीक है बच्चों। तो जो उड़ने वाली कहानी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें एक तीनू नाम का किसान है और वो गन्ने की फसल बोता है, और इसमें एक उड़ने वाला हाथी भी है, और उड़ने वाला हाथी किसकी सवारी है, वो इंद्र की सवारी है, ठीक है। जो देवता इंद्र है उसकी सवारी है, स्वर्ग के राजा इंद्र के उसकी सवारी है कौन, उड़न हाथी। और इसमें कौन है, उसकी जो दीनू किसान है, उसकी जो गरीब किसान है दीनू, उसकी पत्नी और गांव के लोग। तो बच्चों कहानी बहुत ही मज़ेदार है, और इसमें जब आप इस कहानी को पढ़ोगे ना और साथ ही साथ ध्यान से सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आप हंसते हंसते एक तो लोटपोट हो जाओगे, और ये भी देखोगे कि जब ये कहानी में ऐसा होता है और अगर वो कहानी में ऐसा और अगर सच में ऐसा हो जाए तो क्या हो, ठीक है बच्चों। इस कहानी से सीख भी बहुत अच्छी सीख मिलेगी, तो आप तैयार हो ये कहानी सुनने के लिए? बिल्कुल ध्यान से सुनना, बाद में प्रश्न उत्तर भी करने होंगे, तो आप जब कहानी अच्छे से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो प्रश्न उत्तर करते हुए आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगी। मैं बीच बीच में आपसे पूछती रहूंगी, ठीक है बच्चों, कहानी के बारे में। तो हमारी आज आप नाम ऊपर लिखेंगे क्लास 4th के लिए, विषय हिंदी पाठ है, पार्ट 7 है, क्या है नाम, उड़न हाथी। और ध्यान से रखना, सोच कर रखना कि अगर आपके पास एक दिन के लिए पंख मिल जाए या उड़ने के लिए मौका मिले तो आप उड़कर क्या करोगे, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स ये पार्ट 7 है, नाम इसका उड़न हाथी। पिक्चर में देखिए ये जो हाथी है एलिफेंट है, एलिफेंट कितना हैवी होता है, बहुत सबसे लार्जेस्ट है ना, ये बिगेस्ट है, ये कौन सा एनिमल, एलिफेंट, हाथी। अब जब इतने हैवी वेट के एनिमल्स भी जब फ्लाई करने लग जाते हैं तो सोचो अगर एक बार इंसानों को भी उड़ने का मौका मिल जाए तो कैसा लगेगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको भी इसकी पिक्चर दिखा रही हूँ, आपको ध्यान से देखो। ठीक है, और कहानी का की सीख है लालच करना बुरी बात है, लालच करना बुरी बात है, ठीक है। ध्यान से सुननी है आपको ये कहानी, और इसका जो मतलब है वो भी आपको पता होना चाहिए, जो शब्द दिए उसका अर्थ भी पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों।
तो करें अपनी कहानी पढ़ना शुरू। चलो करते हैं। उस गांव का नाम तो अब याद नहीं, पर उसकी सुंदरता जरूर याद है। यानी कि जो जिसने कहानी लिखी है वो बता रहा है कि उस गांव का तो नाम याद नहीं, पर उसकी सुंदरता जरूर याद, क्योंकि जब कोई ना कोई नाम तो याद नहीं रहता, लेकिन हमें कि कोई याद रह जाता है ना, कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है, होता है ना। तो जो लेखक है वो ये कह रहा है, उस गांव का नाम तो अब याद नहीं, लेकिन सुंदरता बहुत ज़रूर याद है। वहाँ खेतों में फसलों का संगीत बिखरा हुआ था, यानी कि संगीत होता है जो सबको अच्छा लगे, यानी कि चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। ठीक है बच्चों, चारों ओर गन्ने के खेत ही खेत नज़र आते हैं, यानी कि चार जब हरियाली होगी तो हरियाली किसकी थी, गन्ने की खेत की, तो वो चारों ओर गन्ने के खेत ही खेत नज़र आते थे। अब कौन किसान है, दीनू। दीनू किसान का भी अपना एक छोटा सा खेत था। क्या नाम इसका, दीनू। दीनू किसान का भी छोटा सा खेत है, क्या छोटा सा खेत। छोटा होने के कारण उसकी आमदनी भी कम थी, यानी कि जब खेत छोटा है तो फसल भी उसमें कम होगी, कम होगी तो उसके पास पैसे भी कम आएंगे, इसलिए पूरे गांव में दीनू ही सबसे गरीब किसान था। दीनू ही सबसे गरीब किसान था। अपने खेत के पास एक टूटी फूटी झोड़िया झोपड़ी में जैसे तैसे अपनी पत्नी और छोटे बच्चों के साथ रहा करता था, यानी कि उस खेत में ही वह एक झोपड़ी थी, उसी में बच्चों के साथ और अपनी के पत्नी के साथ रहता था। ठीक है बच्चों, दीनू कड़ी मेहनत से अपने छोटे से खेत में गन्नों की फसल उगाता, यानी कि खेत तो बेशक छोटा सा था लेकिन उस पर उस खेत में दीनू खूब मेहनत करता था। ठीक है, और किसकी फसल उगाता था, गन्नों की फसल, मतलब गन्ने की फसल उगाता था, और शहर में बेचकर जो भी रुपया पैसा मिलता उससे साल भर बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता। यानी कि जब गन्ने की फसल होती तो उसको शहर में बेचकर जो पैसे मिलते उसी से ही पूरा साल भर का वो घर का खर्चा चलता। कभी कभी तो घर में अनाज ख़त्म हो जाने पर उसे पड़ोस के घरों से सहायता मांगनी पड़ती, यानी कि जब उसके घर का अनाज ख़त्म हो जाता तो वो क्या पड़ोस के घरों से सहायता मांगता, यानी कि उसके पास उसके खेत छोटा था तो पैसे भी, गन्ने की फसल के पैसे भी कम मिलेंगे। ठीक है, हर साल की तरह कड़ी मेहनत करने के बाद इस साल भी दीनू किसान के खेत में गन्ने की अच्छी फसल तैयार हो गई, यानी कि वो हर साल खूब मेहनत करता था, तो मेहनत करता था तो उसकी फसल, गन्ने की फसल भी अच्छी तो होती थी, तो अब की बार भी उसकी गन्ने की फसल अच्छे से तैयार हो गई। गांव के सभी किसानों ने उसकी फसल की बहुत तारीफ की, यानी कि जब फसल अच्छी हो जाती सब बोलते कि वो इसकी तो फसल बहुत अच्छी हुई है, गन्ना बहुत मोटा है, रसीला है, मीठा गन्ना है, तो ऐसे तारीफ हुई उसकी। एक सुबह जब दीनू अपने खेत पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, होश यानी कि वो हैरान रह गया। जब कोई काम एक अलग सा काम हो जाता है, कुछ भी चीज़ जो हम नहीं सोचते वो हो जाता, तो वो ऐसा ही दीनू के साथ वो हैरान रह गया। खेत में किसी ने जमकर गन्ने खाए थे, यानी कि उसके खेत में जो गन्ने की फसल थी वो फसल किसी ने आकर खा ली। ठीक है, यह देख किसान काफ़ी दुखी हुआ। जब किसी से बिना बताए किसान की फसल कोई खा लेता है तो किसान दुखी होता है ना, या तो बोल के खाए और बिना बताए खाते हैं किसी की, तो दुख होता है ना जिसने मेहनत की है। ठीक है, तो ऐसे ही जो दीनू था वो भी दुखी हुआ और गांव वालों पर शक होने लगा। किस पर शक होने लगा, गांव वालों पर, जिसकी सबको पता है कि गन्ने अच्छे होते हैं, तो उसको लगा कि गांव वालों ने उसकी फसल गन्ने खाए हैं। लेकिन अगली सुबह भी जब उसने खेत में वही नज़ारा देखा तो उसके गुस्से और दुख का ठिकाना न रहा। जब एक दिन तो हो गया था, फिर दूसरे दिन फिर वही काम हुआ कि उसके खेत से है वो गन्ने खाए हुए थे,
तो यह देखकर उसे दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब आपकी कोई चीज़ कोई आपसे बिना पूछे उठा ले और उसको ख़राब कर दे तो दुख होता है ना। तो ऐसे ही उस दीनू किसान को हुआ। एक तो छोटा सा खेत, ऊपर से गन्ने की इतनी बर्बादी सह नहीं सकता था। एक तो उसका वैसे ही छोटा सा खेत था और ऊपर से उसके ऐसे गन्ने बर्बाद कर देते हैं तो दुख हुआ ना उसको, तो वो गुस्से में था। दीनू ने निश्चय किया अब से वो रात भर अपने खेतों की निगरानी करेगा। निश्चय यानी कि उसने पक्का इरादा कर लिया कि अब वो रात भर खेतों की निगरानी होता है बच्चों, देखभाल करेगा, यानी चौकीदार जो होता है ना, जैसे कि वो देखेगा रात को, निगरानी करेगा। निगरानी को रखने वाला जैसे चौकीदार होते हैं ना, ध्यान रखते हैं कि उसके खेत में कौन आया कौन नहीं, कौन आया किसने खेत की बर्बादी, तो ऐसे ही वो भी चौकस रहने के लिए अपने खेत की निगरानी करने के लिए अपने खेत में ही वो रहने का उसने निश्चय किया कि वो देखेगा खेत में रहेगा और देखेगा कि कौन उसके खेत में आता है। उसी रात से उसने अपनी घर की खिड़की से खेत की निगरानी करनी शुरू कर दी, यानी कि जो उसकी झोपड़ी थी उसमें से उसने खिड़की होगी उसके में, तो वो जगह उसने वो खिड़की उसने खोल दी और उसने देखा कि वहीं से वो निगरानी करनी शुरू कर दी, यानी देखभाल करनी शुरू कर दी। ठीक है, कभी वो आकाश में चांद तारों को देखता, कभी अपनी गन्ने की फसल को की ओर देखता, क्योंकि उसने तो सारी रात जाकर देखना था ना कि कौन इसकी खेत मेरे खेत की फसल को बर्बाद कर रहा, गन्ने खाता है और इतनी बर्बाद करता। घंटों इसी तरह बिताने के बाद अचानक उसने देखा कि आकाश, पहले तो देखता रहा अपनी फसल को, देखता रहा चांद तारों को, देखता रहा, रात के समय तो यही निकलते हैं ना, वही देखेगा। और फिर उसने अचानक देखा आकाश में से एक छोटी सी वस्तु धीरे 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 बड़ा आकार लेती हुई धरती की ओर बढ़ रही है। यानी वो भी इतना हैरान था कि एक छोटी सी चीज़ जब धीरे धीरे नज़दीक आती है तो वो उसका आकार होता, साइज है उसका, बढ़ रहा था। ठीक है, कोई चीज़ छोटी दूर से छोटी दिख लेंगे, जब हम पास पास आती तो बड़ी होने लग जाती है, ऐसे वो चीज़ बड़ी होने लग रही थी। कब? वो जब धरती के नज़दीक आ रही थी। आश्चर्य के मारे यानी कि हैरानी के मारे दीनू की आंखें खुली की खुली रह गई, यानी कि उसकी आंख खुली रह गई, हैरानी से हो जाती ना कोई, एकदम दंग रह जाना, हैरान रह जाना। तो ऐसे ही उस दीनू की भी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने आंखें मसल कर, यानी कई बार अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता ना, तो उसने आंखें मसल कर पुनः ध्यान से आकाश की ओर देखा। आंखें मसल कर उसको लगा कहीं मेरे को नींद ना आ रही हो, उसने आंखें मसल कर और दोबारा ध्यान से आकाश की ओर देखा, यानी कि आसमान की ओर तरफ देखा। सहसा मतलब अचानक वो आकार एक उड़ने वाले हाथी के रूप में बदल गया, यानी कि जो वो आकार था ना कि आसमान से कोई आ रहा है छोटी सी फिर धीरे नज़दीक आके बड़ी होने लग रही है, तो वो एक उड़ने वाले हाथी के रूप में बदल गया। तो वो क्या दिखाई दिया कि एक उड़ने वाला हाथी के रूप में बदल गया, तेज़ी से उसे खेती की ओर बढ़ने लगा और वो तेज़ी से उसकी खेती और बढ़ने लगा। अब दीनू समझ गया कि यही है वो जो उसके गन्नों को चट कर रहा है, यानी कि जब उसके खेत में उतरा तो दीनू को समझ में आया कि हाँ यही चट करके जाता है मेरे खेत में, क्योंकि रात को तो कोई आया ही नहीं, यही रात को अभी आया है। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी कहानी के बारे में अभी आप सोचते रहो। ठीक है, कि क्या कुछ हुआ होगा, उसने पकड़ कर आगे क्या किया होगा। ठीक है बच्चों, कहानी अच्छी है ना, बाकी की कहानी हम कल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी ये कहानी पढ़ी है उड़ने उड़न हाथी कि कैसे एक दीनू किसान अच्छी फसल बोता है किसकी, गन्ने की, और उसके वो धीरे धीरे एक रात देखता है कि उसके गन्ने की फसल कोई बर्बाद कर देता है, तो वो निगरानी के लिए चौकीदारी के लिए अपने
जो झोपड़ी की जो घर की जो खिड़की थी उसको खोल के रखता है, और वो देखता है कि आसमान से कोई चीज़ आ रही है, और पास आके देखता है तो वो कि वो तो एक उड़ने वाला हाथी है। कई बार हम ऐसे ऐसे आँख खोल कर देखते हैं ना कि हाँ कहीं हमें सपने में तो नहीं है, नींद में तो नहीं है, ऐसे ही उस दिनों ने भी देखा। तो बच्चों आज हमने जितनी भी कहानी पढ़ी है आप इसको ध्यान से दोबारा फिर पढ़ना, और बाकी कहानी हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए और सोचिए अगर आपके पास पंख होते यानी आप भी उड़ने वाले होते तो आप सबसे पहले कहाँ क्या कुछ करते, सोच कर रखना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना, अपना ध्यान रखना, टेक केयर योर सेल्फ। ओके।